तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CNC ऑपरेटर के बारे में। जो लोग सोच रहे हैं यूरोप कंट्री में जाने के लिए, मूव होने के लिए, यहाँ के अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको बताएंगे कि यहाँ पे जो वैकेंसियाँ हैं CNC ऑपरेटर की, आप उसमें कितना पैसे कमा लोगे और क्या क्या आपको आनी चाहिए, कौन सी स्किल्ड आनी चाहिए, CNC में क्या काम है, सारी चीज़ें जो है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आप लोग के बीच में आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है कि 20 CNC ऑपरेटर चाहिए। 20 बंदे का डिमांड है CNC ऑपरेटर के लिए। ऐसे बंदे चाहिए 10, तो ऐसे बंदे चाहिए जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग भी जानते हों और ऑपरेटर भी हों, यानी कि दोनों काम करना जानते हों। और 10 बंदे ऐसे चाहिए जो सिर्फ मशीन ऑपरेट कर ले, एक बार मशीन के अंदर जो है कि प्रोग्राम फिट हो गया, उसके बाद उनका काम है मशीन को ऑपरेट करना, चलाना। तो 10 बंदे तो ऐसे चाहिए, 10 बंदे फुल स्किल्ड वाले चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो टोटल जो डिमांड है 20 लोगों का डिमांड है। अगर कोई बंदा CNC ऑपरेटर है और किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी काम करता है, थोड़ा भी अगर उनको अनुभव है कि हम CNC मशीन ऑपरेट कर लेंगे, और लोग जो है कि दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उनको रिप्लाई देंगे, उनको बताएंगे सारी चीज़ें जो है कि उनके बीच में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आने में उनको टोटल कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे यहाँ पे कमा लेंगे, सारी चीज़। फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ अगर आप CNC ऑपरेटर में आते हो तो CNC ऑपरेटर का जो सैलरी है 10 यूरो, यानी कि एक घंटे का 10 यूरो मिलने वाला है आपको। अगर आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हो या 8 घंटे काम करते हो, अगर 8 घंटे काम करते हो तो आपको एक दिन का 80 यूरो आपका बनने वाला है। अगर आप 10 घंटे वही चीज़ काम करते हो तो आपका एक दिन के अंदर 100 यूरो बनने वाला है। अगर महीने में अगर 25 दिन भी काम किए तो आपका 25 यूरो बनने वाला है। आप 2500 यूरो आराम से हर महीने कमा लोगे, यानी कि देखा जाए तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपये पर महीने आप आसानी से जो है कि यहाँ पे कमा लोगे आप। तो बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड है CNC ऑपरेटर का, बहुत ही मात्रा में चाहिए, 20 लोग चाहिए CNC ऑपरेटर। और कंपनी भी बढ़िया है, आपको कंपनी वन टाइम मील भी आपको प्रोवाइड कराएगी, लंच जो होता है ना, लंच भी देगी। और अगर आप उनका लंच नहीं करेंगे तो आपको खाने का वो लोग पैसा देते हैं 100 यूरो जो खाने का पैसा भी मिलेगा। तो अच्छा यहाँ पे स्कोप है CNC ऑपरेटर मशीन के लिए, ऑपरेटर के लिए अच्छी डिमांड है। अगर आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि हमें भी यूरोप कंट्री में जाना है, वहाँ जाके अच्छे खासे हमें पैसे कमाना है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो और दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपसे संपर्क करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीज़ें, आपको समझाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप जो है कि आगे का प्रोसेस नहीं करवाइएगा। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमांड है यहाँ पे। अगर आपको आना है, यूरोप में सेटल होना है और अच्छे खासे पैसे कमाना है, 2 से 2.5 लाख रुपये पर महीने कमाना है, तो आपको ये जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट है। बस आपका काम है कि आपको उस आपका जो प्रोफेशन है CNC ऑपरेटर का होना चाहिए और उस क्षेत्र में आपको अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपका 2 से 3 साल अनुभव है तो आप आसानी से जो है कि अप्लाई कर सकते हो और यहाँ आके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आज जो बात कर रहे हैं हम CNC ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री का नाम है क्रोशिया। क्रोशिया में आके आप जो है कि 2.5 से 3 लाख रुपये का भी महीने का पैकेज कमा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको जो मुझे बताना था CNC ऑपरेटर के बारे में बातें करनी थी वो मैंने आपको बताया है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो आने के लिए, तो दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपसे सारी चीज़ें बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे और आपका प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें ताकि आप भी यहाँ पे आके अच्छे खासे पैसे कमा सको, पैसे अर्न कर सको और यहाँ पे आके सेटल हो सको। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ओके।